हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई ए सी वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन स्टूडेंट तो स्टूडेंट आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं फॉर द पी पी एस सी पी वाई क्यू स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम फॉर पंजाब सिविल सर्विसज़ और ये हमारा जो पेपर है दैट इज़ टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी राइट जो हमारा अभी लास्ट टाइम जो हमारा एग्जाम हुआ था तो अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो इसी साल है हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के अंदर तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे को पी वाई क्यू को ठीक है जी ओके okay, ओके okay. हाँ जी तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इलेवन से प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली देन आंसर इट जी तो क्वेश्चन क्या है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द वर्चुअल वाटर ट्रेड वर्चुअल वाटर ट्रेड पे क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा वर्चुअल वाटर ट्रेड वर्चुअल वर्ड का मतलब पता है ना आपको ठीक है एक रियल होता है एक हमारा वर्चुअल होता है ठीक है तो इसमें क्या है ऑप्शंस को पढ़ते हैं कहता है इट रेफर्स टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हिडन वाटर सबसे पहले तो ये रेफर करता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसको हिडन वाटर को छुपा हुआ पानी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एज क्रॉप प्रोडक्ट्स ठीक है आपको तय की कोई क्रॉप होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब तो करती है ना उसके अंदर पानी तो होता ही है टेक्सटाइल्स हमारे जितने भी कपड़े बनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी पानी लगता है मशीनरी है लाइफ स्टॉक है, है विच रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोडक्शन सेकेंड चीज़ वो बोलता है कहता है द कनेक्ट द कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कहता था कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द टॉलिन एलिन इन नाइनटीन नाइनटी थ्री टू एक्सप्लेन द टू एक्सप्लेन द इम्पोर्ट ऑफ वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आपको भी पता होना चाहिए कि एरिड रीजन का कौन सा होता है जहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है मतलब कि जहाँ पे रेनफॉल जो है वो लेस देन हंड्रेड सेंटीमीटर होती है ठीक है जी ओके द वर्ड द वर्ल्ड वाटर काउंसिल इज हेडक्वार्ट एट मर्सेली फ्रांस तो अब क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए स्टूडेंट इसका ठीक है जी आंसर कीजिए प्लीज स्टूडेंट आंसर कीजिए हाँ जी तीनों स्टेटमेंट्स को देखिए आप ध्यान से पहला हिडन वाटर की उसने डेफिनेशन दी है कि भाई होता क्या है तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं दूसरा फिर वो ये कहता है कहता कहता द कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टॉली एलिन in 1993 to explain the import of water intensive वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इन एरिड एंड सेमी तीसरा कहता है कहता है द वर्ल्ड वाटर जो हमारा वर्ल्ड वाटर काउंसिल है उसका हेडक्वाटर फ्रांस के अंदर है तो तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारी यहाँ पे करेक्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा डी इलेवन का करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट डी ठीक है जी तीनों स्टेटमेंट सही है ओके okay. सो so, मूव करते हैं स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ जी तो क्वेश्चन है स्टूडेंट करंट अफेयर से रिलेटेड पहले वाला भी क्वेश्चन करंट अफेयर से था और अब वाला भी करंट अफेयर से ही है हाँ जी तो क्वेश्चन पढ़ो बच्चे कहता था रिसेंटली द फिफ्टींथ इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट वॉज हेल्ड थ्रू ए वर्चुअल मीडियम विच ऑफ द फॉलोविंग आर करेक्ट अबाउट समिट समिट के ऊपर क्वेश्चन है कहता समिट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ पहला कहता है इंडो इंडिया यूएस इंडिया ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ए रोड मैप टू 2025 ट्वेंटी फाइव वॉज एडॉप्टिड टू गाइड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ई यू ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर ये बात बोलेगी किसके अंदर हमारी फिफ्टींथ इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट के अंदर पहली बात तो ये बोलता है दूसरा कहता है कहता है अडेप्टिड डेक्लरेशन ऑन रिसोर्स एफिशंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी पता है ना ठीक है जो सर्कल में इस तरीके से आप एक आप मान लो फॉर एग्जांपल आप एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं दूसरा फिर जो है वो उसको एक्सपोर्ट करता है फिर तीसरा जो है वो उसको क्या कर रहा है उसके एक फिनिश्ड गुड बना रहा है फिर वापस से वो क्या कर रहे हैं एक सर्कल के अंदर आ रहे हैं ठीक है थीके? अब वापस से वहीं पर उनको सेल कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट है कहता है ना अग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन यूरोपियन यूरेटम यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी व साइंड ऑन द ईव ऑफ दिस समिट कहता है इस समिट पे हमने न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज करने के लिए भी हमने यहाँ पे साइन किया है समिट साइन किया है फोर्थ स्टेटमेंट कहता है नए एग्रीमेंट बिटवीन यूरोपोल एंड सी बी आई साइन टू कॉम्बैक्ट टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहता है यहाँ पे यूरोपोल वहाँ की कोई एजेंसी है ठीक है और हमारी सीबीआई ने भी साइन किया है टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सो दैट अगर यूरोप के अंदर कोई क्राइम हो रहा है और वो इंडिया में भी हो रहा है वहाँ पे तो दोनों इकट्ठे मिलकर क्या कर सके इंटेलिजेंस इनपुट्स के थ्रू दोनों को वो टैकल कर सके अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन देखिए वन फोर वन एंड थ्री सारी सही हैं वन टू थ्री डी वन टू थ्री फोर सारे सही हैं अब आप इसका आंसर कीजिए स्टूडेंट मेरे को ठीक है देखिए उस टाइम का करंट अफेयर है तो आई होप कि मैं आपसे ये तो होप नहीं करूँगी कि हाँ जी आपको सारा ही पता होना चाहिए ठीक है बट फिर भी थोड़ा ट्राई कीजिए लॉजिकल लगा के कुछ चीज़ों को ठीक है तो इस डील के अंदर जो चीज़ साइन नहीं हुई है स्टूडेंट वो ये नहीं हुई है अग्रीमेंट नहीं हुआ है यूरोपोल और सीबीआई के बीच में सी हेयर स्टूडेंट मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि जब ऐसा कोई करंट अफेयर आता है मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम से आ रहा है उसके नीचे चार स्टेटमेंट उसने दी हुई हैं ठीक है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब सही हो या वो सारी गलत हो ठीक है क्योंकि उस समिट के अंदर क्या हुआ अगर आपको नहीं पता अगर उस समिट के बारे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिफ्टीन्थ इंडो यूरोप की यूरोपियन समिट की बात की गई है अगर आपको इस समिट के बारे में नहीं पता कि हाँ जी समिट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ साइन तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते करोगे तो आप गलती करोगे कितनी तुक्के लगा दोगे राइट right? तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ठीक है जी ओके okay, ओके okay. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर सी वन टू थ्री ठीक है बच्चे नेक्स्ट फिर से करंट अफेयर है स्टूडेंट ठीक है पूरा पूरा करंट अफेयर है तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कहता था यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको भी पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में आई थी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस पॉलिसी पॉलिसी के बारे में क्या करेक्ट है इसके बारे में पूछा है उसने पहला कहता था कंपल्सरी एलोकेशन ऑफ फोर परसेंट ऑफ द जी इन एजुकेशन सेक्टर बाय द यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जितनी भी हमारी जी है हमारी जी कितनी है इतने, इस टाइम पे सेवन तो उससे जो भी हमारा रिवेन्यू कलेक्ट होता है उसका फोर परसेंट जो है वो हमारा किसमें होना चाहिए एजुकेशन के अंदर खर्च होना चाहिए दूसरा बोलता है कहता है एम्स टू ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ थ्री टू सिक्स इयर्स अंडर द स्कूल करिकुलम अब ये कहता है कि थ्री से सिक्स इयर्स के जो बच्चे हैं उनको भी अब करिकुलम के अंदर कवर्ड किया जाएगा थर्ड कहता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू फिफ्टी जो हमारी हायर एजुकेशन है वहाँ पे रेस करना है 50 परसेंट तक कब 2030 तक फिर हमारी फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द पॉलिसी इन्वसाइजिस टू सेटअप द जेंडर इंक्लूजन फंड मतलब कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए आपने भी देखा होगा आज भी जो लड़कियां हैं उनको स्कूल कम भेजा जाता है अगर आप पूरे ओवरऑल इंडिया में देखोगे तो आप देखोगे कि गर्ल्स जो हैं आज भी उनका स्कूल जाना मना है बहुत जगह पे गर्ल्स स्कूल नहीं जाती हैं ठीक है तो जेंडर इंक्लूजन फंड यहाँ पे लेके आया गया है फोर्थ स्टेटमेंट में कहता है कहता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म टू बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग ठीक है जी हाँ जी तो करेक्ट ऑप्शन बताइए स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या है हाँ जी बताइए फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए वन टू फोर वन थ्री फाइव टू थ्री फोर या टू थ्री फोर फाइव हाँ जी तो बताइए हाँ जी तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इसका टू थ्री फोर इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है क्या नहीं है देखते हैं पहला ऑप्शन था कहता कंपलसरी एलुकेशन ऑफ फोर परसेंट फोर परसेंट बहुत ज्यादा अमाउंट है स्टूडेंट अभी तो हम इवन हम इस टाइम पे एजुकेशन में वन परसेंट भी नहीं कर रहे हैं ठीक है वन परसेंट हम एलोकेट करते हैं फोर परसेंट तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है तो उस जीडीपी को एजुकेशन में नहीं करना है इवन जो उसका टारगेट है आई थिंक वो टू टू पॉइंट फाइव समथिंग कुछ ऐसा सा है ठीक है जी ओके ओके तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है बाकी सब सही है हाँ जी ठीक है जी तो फोर्थ नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए फोर्टीन नंबर क्वेश्चन सॉरी हाँ जी तो फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पढ़िए हाँ जी क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे दिख तो रहा है ना आपको सही से आंसर क्वेश्चन हाँ जी ठीक है जी तो क्वेश्चन पढ़िए कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस रिलीज रिपोर्ट टाइटल असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ट्रू पूछा है सही स्टेटमेंट पूछिए स्टूडेंट ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है लगातार करंट अफेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट हम लगातार ठीक है तो प्लीज़ घबराना नहीं ये देख के कि भाई मेरे तो आज के सेशन के सारे क्वेश्चन गलत हो गए कोई चक्कर नहीं है दिक्कत है नहीं स्टूडेंट बस दिक्कत इससे आप ये लर्न कीजिए कि करंट अफेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर को थॉरोली पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टूडेंट पेपर में गलत करने की कोशिश मत ही करना अगर तो आता है वेल एंड गुड नहीं आता आगे मूव कीजिए फिफ्टी फिफ्टी पे आ जाते हो देन बात अलग है कि आपने दो ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट कर लिया आपको पता है हंड्रेड परसेंट कि ये ऑप्शन गलत हैं देन यू कैन गो विद द फिफ्टी परसेंट है ना फिफ्टी परसेंट है देन आप आंसर कर सकते हैं फिर आपके पास एक या दो ऑप्शंस बचते हैं दो दो ही बचते हैं लगभग तो उसमें से एक कर दीजिए फिफ्टी चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा बट हाँ केस ऑफ अगर आपको क्वेश्चन को बिल्कुल आइडिया नहीं है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके बारे में देन प्लीज़ उसको स्किप कीजिए बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो और आगे बढ़िए सीयर स्टूडेंट दो पेपर के दो पोर्शंस होते हैं एक होता है हमारा स्टैटिक पोर्शन ठीक है इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है राइट right? इसमें एक तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे ठीक है सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा एक होंगे बहुत ज़्यादा अटपटे से क्वेश्चन स्टैटिक में स्टूडेंट जो आपको सही करके आने हंड्रेड परसेंट जहाँ से गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है वो ये पोर्शन है जो बहुत अटपटे क्वेश्चन हैं ठीक है आप समझ लीजिए इस बात को कि यहाँ पे हर बंदा जो है ठीक है हर बच्चा जो है चाहे वो कितना भी क्यों नहीं है चाहे फिर वो कितना भी उसने अच्छे से तैयारी क्यों नहीं कर रखी यहाँ से वो क्वेश्चन गलत करेगा या फिर उसको स्किप करेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो उसके कम ही सही होंगे ज़्यादा सही नहीं होंगे ठीक है जी ओके बट यहाँ पे जो बच्चे जो क्वेश्चन सारे सही करके आ रहे अगर आपने वो गलत कर दिए ये वाला पोर्शन के क्वेश्चन गलत कर दिए फिर तो स्टूडेंट आप पहले से ही एलिमिनेटेड हो फिर तो आप समझ लीजिए कि आप गए ठीक है फिर इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप पहले पेपर में फेल हो सीधी बात मेरे पास डायरेक्ट ठीक है फिर होता है हमारा स्टूडेंट करंट अफेयर करंट अफेयर में भी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं पहला पहला आता है स्टूडेंट वो करंट uh, अफेयर्स जिसको हर बच्चा डन करके आएगा क्योंकि उसने करंट अफेयर अगर उसने पढ़े हैं तो ठीक है और पढ़े ही होते जनरली सब बच्चे करंट अफेयर पढ़ के ही जाते हैं ठीक है अच्छे से आपने नहीं पढ़ी तो ये आपकी गलती है है ना आपने अभी वन वन ईयर से अगर न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया तो ये आपकी मिस्टेक है ना नहीं मतलब सिक्स मंथ से तो मैं ही ये सेशंस से ले रही हूं अगर अभी भी आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू नहीं किया तो दैट्स नॉट माय मिस्टेक ठीक है क्योंकि जो पहले पढ़ रहे हैं वो आपकी ऊपर एज लेके जाएंगे ये हंड्रेड परसेंट श्योर है फिर वो बच्चा यू कर रहा है चाहे फिर उसने पहले से ही पी क्रैक कर रखा है तो बाद में ये एक्सक्यूज़ देना कि भाई इसने तो यू की तैयारी कर रखी थी इसलिए मेरे से आगे निकल गया या इसने तो पहले से सेलेक्टेड था इसलिए मेरे से आगे निकल गया ये सब बकवास है आप छोड़ दीजिए उसको ठीक है आप में ख़ुद में दम नहीं था इसलिए आप नहीं किया आपका खुद का आलस था आपने करंट अफेयर नहीं किए ठीक है क्योंकि एग्ज़ामिनर एक साल पहले के करंट अफेयर पूछता है अगर आपने कवर नहीं किए दिस इज़ योर मिस्टेक स्टूडेंट किसी और की नहीं है उसको ब्लेम लगाना बंद कीजिए आप ठीक है ब्लेम नहीं करना अच्छा जो सभी करके आएंगे ये हंड्रेड परसेंट आपको अटैम्प्ट करने ही करने डैम श्योर और एक होते बहुत ही अटपटे से करंट अफेयर बहुत ही अटपटे से जिसको कभी न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर में नहीं देखा गया है वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट सब बच्चे या तो उसको स्किप करते हैं या यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं तो इस पोर्शन में आपका अगर कुछ गलत हो जाता है या स्किप कर देते हो डोंट वरी ये पेपर का ट्वेंटी परसेंट ही होगा ठीक है बट हां थर्टी परसेंट ये होगा थर्टी परसेंट से फोर्टी परसेंट ये होगा ये गलत किया तो आप गई ठीक है जी तो थर्टी परसेंट आपका स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए थर्टी परसेंट आपका करंट अफेयर बिल्कुल सही होना चाहिए तो ऑलमोस्ट आपका सिक्सटी परसेंट पेपर बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही होना चाहिए उसे नीचे आने की कोई भी गुंजाइश है नहीं तो थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ये आपके बिल्कुल सही होने चाहिए मतलब कुल मिला के आपके सिक्सटी क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए हंड्रेड एंड वन परसेंट सारी नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा हटो के आपके ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी जो नंबर है वो बनने चाहिए टू हंड्रेड में से और अगर पेपर ईजी है ठीक है ईजी पेपर है तो स्टूडेंट फिर आपके सेवेंटी परसेंट जो पेपर है वो सही होना ही चाहिए तो सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी के बीच में आप रहिए ठीक है अगर आप इतना स्कोर कर ले जाते हैं देन फिर आपका सी सेट भी है सी सेट में तो आप जितने चाहो उतने ले जाओ टू हंड्रेड में से टू हंड्रेड ले जाओ चाहे आप ठीक है तो आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है स्टूडेंट लास्ट टाइम आई थिंक जो कट ऑफ थी वो आई थिंक सो कि फोर हंड्रेड में से समथिंग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है बच्चे ठीक है मुझे एग्जैक्टली अभी मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मुझे नंबर तो याद है उसका ठीक है बट कोई बात नहीं आप इस कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आपके वन मान लो आपके वन थर्टी इसमें आ जाते हैं वन थर्टी इसमें आ जाते हैं तो भी स्टूडेंट आप टू सिक्सटी मार्क्स ले गए ठीक है वन थर्टी क्यों यहाँ पे तो आप डेढ़ सौ तक क्रॉस कर सकते हो आराम से टू सेवेंटी मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे ठीक है जी ओके ओके ठीक है, है जी ओके तो बात करते हैं क्वेश्चन की ठीक है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओके ओवर द इंडियन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पहला बात कहता है इट इज फर्स्ट आवर टू डॉक्यूमेंट एंड असेस क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पहली स्टेटमेंट वो ये कहता है अच्छा दूसरी में कहता है कहता इट हाईलाइट द ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्ट चेंजेस इन वेरियस वेरियस डायमेंशन क्लाइमेटिक डायमेंशन ओवर द इंडियन रीजन देयर इम्प एंड वेरियस पॉलिसीज एक्शन टू डी विद द रीजनल क्लाइमेट चेंज थर्ड कहता कहता द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटरोलॉजिकल इज लोकेट एट द कोयम्बटूर अच्छा अब वो स्टेटमेंट आपसे सही पूछता है वन एंड टू टू वन एंड थ्री यहाँ सारी सही है तो बताइए क्या कुछ आपका आंसर हो सकता है बताइए हाँ जी आंसर कीजिए बच्चे फिर से पढ़ लीजिए एक बार के लिए हाँ जी पहला तो कहता कहता है इट इज़ दे फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट एंड असेस क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चे दूसरी कहता है हाँ तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ना यहाँ पे दैट इज़ अवर वन एंड टू तो देखिए वन एंड टू मतलब कि टू क्या है है इट हाईलाइट द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड चेंजेस इन वेरियस क्लाइमेटिक डायमेंशन ओवर द इंडियन रीजन देयर इंपैक्ट वेरियस पॉलिसीज एक्शंस टू डील विद द टू डील विद द रीजनल क्लाइमेट चेंज तो सही है दोनों स्टेटमेंट सही है थर्ड नहीं है हमारा ठीक है आई थिंक ये बेंगलुरु के अंदर है हमारा ठीक है ओके फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हाँ जी तो फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पे आओ कहता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा आपको पता ही होगा आशा के बारे में ठीक है बहुत ही सक्सेसफुल मैं कहती हूँ कि अगर हेल्थ सेक्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है दैट इज़ अवर आशा ठीक है आशा वर्कर्स ही हैं जिन्होंने कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन को सक्सेसफुली पूरे इंडिया के अंदर पहुंचाने में हेल्प की ठीक है ग्राउंड लेवल पे रहकर जो सिचुएशंस को इन्होंने हैंडल किया है दिस इज यू नो अन मतलब रिमार्केबल यहाँ पे प्रोग्रेस है ठीक है ए कम्युनिटी बेस्ड फंक्शनरी अंडर नेशनल रूलर हेल्थ मिशन एन आर एच एम हैव बीन सपोर्टिंग डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू द लास्ट माइल स्पेशली ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ आशा आशा की प्राइमरी ड्यूटी क्या है ये पूछा गया है तो देखते हैं बच्चे क्या क्या उसकी प्राइमरी ड्यूटी है पहला इट काउंसिल्स वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इम्यूनाइजेशन कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इंफेक्शन सारी जो आ, ये है आप जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब किससे रिलेटेड है हमारी हमारी प्राइमरी हेल्थ से ठीक है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी यह सही होगी ना अगली पे पढ़ते हैं। कहता आशा टेक्स स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन द डिटर्मिनेंट्स on the determinants of health such as nutrition, basic sanitation and hygienic practice आप भी देखोगे villages के अंदर आज भी बहुत सारे you know ऐसे rooms बने होते हैं community जहाँ पर lactating mothers या फिर pregnant ladies या छोटे बच्चों को आज भी healthy nutritious diet दी जाती है दी जाती है ना वो देते हैं ना आपको वो mix खाने के लिए देते हैं वो दलिया बना के खिलाती हैं बच्चों को ठीक है बादाम वगैरह जो भी सब चीज़ें होती हैं न्यूट्रीशियस मिलेट्स वगैरह होते हैं वो उनको दिया जाता okay. है ठीक है ओके नेक्स्ट है इट वर्क्स विद द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत टू डेवलप अ कॉम्प्रीहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चे लास्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं कहता आशा प्रोवाइड्स प्राइमरी मेडिकल हेल्थ फॉर माइर माइनर एलिमेंट्स सच एज डायरिया फीवर एंड फर्स्ट एड टू द माइनर इंजरीज छोटी मोटी इंजरी हो जाए तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करती हैं ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी स्टूडेंट तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा डी बनेगा बच्चे डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वन टू थ्री फोर सारे ही सही है आशा के ये सारे ही काम हैं ठीक है अब देखो अब ये आशा पे है, है ना अच्छा गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा यू you नो know, एक बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को कवर करने का ये कवे है ठीक इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ से अगर कोई बच्चा क्वेश्चन गलत करता है तो क्या सोचा जाएगा क्या आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो एक एग्ज़ाम एक में ऐसे एग्ज़ाम में बैठने में जहाँ पे स्टूडेंट आप ग्राउंड लेवल पे रहकर आप एसडीएम बनोगे आप सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनोगे राइट आप बहुत ही ग्राउंड लेवल पे रहकर काम करोगे राइट right? आपको यही नहीं पता कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आशा वर्कर्स किस तरीके से काम कर रही हैं क्या वो हेल्प कर रही हैं कैसे करोगे आप उनको डील एग्जाम में तो आपको पता नहीं है ना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आपको करना क्या है राइट right? अगर मैं आपसे अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पुट करने शुरू कर दूं आपकी कंट्री के बारे में आपकी लोकल जो भी आपका कल्चर है उसके बारे में सोसाइटी के बारे में अगर आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअल रियलिटी में हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है तो आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल के लिए आप मेच्योर हो नहीं नहीं स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं राइट तो ऐसे क्वेश्चन का गलत करना ये साफ यू uh, नो you know, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एग्जामिनर को ये दिखाता है या आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करते इट मीन्स लैक ऑफ प्रिपे प्रपरेशन तो है ही है आप सीरियस ही नहीं हो उस एग्ज़ाम को लेकर राइट right? तो ऐसे क्वेश्चन का गलत होना बहुत बड़ा ब्लेंडर है पेपर के अंदर ठीक है क्योंकि आप स्टेटमेंट्स देखिए स्टूडेंट ऐसे स्टेटमेंट्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पूछिए उसने कुछ घुमा के नहीं पूछा उसने जो काम है सिर्फ उसी को उसने बताया और आपको अगर ये भी नहीं पता तो फिर तो क्या ही कहना है ना तो so ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बच्चे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीरियस स्टूडेंट तो गलत करके नहीं आएगा और वो गलत नहीं करके आएगा तो आप कंपटीशन से बाहर हो क्योंकि वो फिर आपको लेने वाला है आपकी सीट वो लेके जाएगा ठीक है जी ओके पी वाई क्यू का यही मतलब होता है आपको ये पता करना कि हाँ जी कौन सी स्टेट जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है ओके बात करते हैं नेक्स्ट कहता द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड लिंकिंग ऑफ लक्षद्वीप कहता लक्षद्वीप को लिंक करना है आइलैंड को विद द लैंड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक तो पहली स्टेट अच्छा ट्रू पूछा है इसने तो देखते हैं स्टूडेंट हाँ जी देखते हैं बच्चे क्या है कहता है द समराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक विल कनेक्ट इलेवन आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप विद द कोची लैंड आइलैंड दूसरा कहता द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इन पी 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 मोड थ्रू द मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ बी एस एन एल एंड आर आई एल ठीक है अब यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है वन एंड टू टू एंड ओनली बोथ वन एंड टू ठीक है तो स्टेटमेंट करंट अफेयर का कवर है स्टूडेंट करंट अफेयर की न्यूज़ है पता है तो पता है नहीं पता तो नहीं पता यस और नो तो बताइए तो स्टूडेंट ओनली वन स्टेटमेंट सही है यहाँ पे हाँ हम उसको ऑप्टिकल फाइबर से लिंक कर रहे हैं इलेवन आइलैंड्स को हमारे इलेवन आइलैंड्स जो हैं लक्षद्वीप के किससे हमारे मेन लैंड कोची से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है जी ओके बट हाँ बी का वो वेंचर नहीं है इट इज़ नॉट अ पब्लिक प्राइवेट हाँ वो है लेकिन बी और उसका नहीं है ठीक है जी क्लियर आपको ये बात ये सुनो ठीक है जी ओके लेट्स मूव फर्दर हाँ जी तो सेवनटीन नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे काफ़ी लम लं, लंबे चौड़े आंसर्स हैं इसके ठीक तो है तो पढ़ते क्वेश्चन कहता इंडिया फर्स्ट गैस एक्सचेंज द इंडियन एक्सचेंज वॉज लॉन्च होली ओन्ड सबसिडरी ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए स्टूडेंट इसने पहला कहता कहता इट इज़ डिजिटल ट्रेडिंग इट इज़ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट विल अलाउ बायर्स एंड सेलर्स टू ट्रेड बोथ इन द स्पोर्ट मार्केट एंड इन द फॉरवर्ड मार्केट फॉर द इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस अच्छा दूसरा कहता है कहता है इट विल अलाउ ट्रेड अक्रॉस द थ्री हब तीन मेन हब पे ये ट्रेड अलाउ करेगा पहला दहज हज़ीरा गुजरात एंड काकीनाडा इन एं आंध्र प्रदेश तीनों तीनों स्पोर्ट कवर करेगा ये ठीक है अच्छा फिर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कहता द इम्पोर्टेड लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस विल बी री गैसिफाइड एंड सोल्ड टू बायर थ्रू द एक्सचेंज रिमूविंग द रिक्वायरमेंट फॉर द बायर एंड सेलर टू फाइंड बिल्कुल मैं कहती हूँ ये एकदम सटीक करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक परसेंट उसने वो नहीं छोड़ा स्टेटमेंट्स पूछी हैं स्टूडेंट ठीक है अच्छा काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अच्छा फिर कहता है फोर्थ पे कहता है ओनली ओनली इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड इन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस इज अलाउड एंड अलाउड एट द गैस एक्सचेंज अच्छा अब स्टेटमेंट देखिए हाँ जी तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें स्टूडेंट बताइए तो स्टूडेंट तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें पहली तीन स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं लास्ट वाली नहीं है ओनली नहीं है ओनली इंटर गवर्नमेंटल ट्रेड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस इज अलाउड नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है Uh, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं ठीक है जी ओके ये बात क्लियर है आपको स्टूडेंट ठीक है ओके ओके करंट अफेयर है तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना उस टाइम का करंट अफेयर है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे हाँ जी अटेम्प्ट कीजिए बच्चे हाँ जी स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला कहता है पहली स्टेटमेंट में कहता है कहता है अंगोला पता है ना दोनों कंट्रीज कहाँ पे अंगोला एंड नाइजीरिया कहाँ हैं दोनों कंट्रीज अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज हैं दोनों आर वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर ऑफ द सब सहारन रीजन जो हमारा सब सहारन सहारन कहाँ पे है ये हमारा स्टूडेंट ये हमारा क्या है ये हमारा है अफ्रीका अफ्रीका का ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला पोर्शन है इसको सहारन रीजन कहते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट दैट वी कोल्ड सहारा डेजर्ट ठीक है जी तो अब उसके बारे में देखते हैं हाँ जी कहता अंगोला एंड नाइजीरिया आर वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर ऑफ द सब सहारन रीजन दूसरा कहता है कहता है इंडिया एंड अंगोला साइंड ए बाईलिटरल एनर्जी कोऑपरेशन एनर्जी अग्रीमेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन अफ्रीकन फोरम ठीक है कहता है इंडिया एंड अंगोला ने साइन किया है बाईलेटरल एनर्जी कोऑपरेशन अग्रीमेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया अफ्रीका फॉरम ठीक है अंगोला ने साइन की है ये बात सेकंड स्टेटमेंट में वो बोलता है पहला कहता है कहता है अंगोला एंड नाइजीरिया आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसे बड़े हैं क्रूड ऑयल सप्लायर में ऑफ सब सहारन रीजन तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चे लार्जेस्ट तो वो नहीं है क्योंकि और भी वहाँ पर हैं तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी दूसरी हमारी बिल्कुल सही है दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी एटीन का हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ये भी हमारा उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ओ बाबा रे बाबा कितने सारे करंट अफेयर्स है ना बहुत ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन पुट, पुट किए गए कोई बात नहीं ऐसे घबराना नहीं है ठीक है डरना नहीं है बिल्कुल भी ओके ठीक है जी ठीक है स्टूडेंट तो आगे वाले क्वेश्चन फिर बाद में करें है ना नेक्स्ट सेशन में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है जी तो चलो आज इतने ही बहुत हैं ठीक है नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जितने हमारे बाकी रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन हैं ठीक है अभी मैं सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज दैट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम फिफ्टींथ जनवरी तो आप 15 जनवरी को एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट हमारे बैच के अंदर ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है स्टूडेंट ये वहाँ हमारा बैच एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है मतलब कि ये जो बैच है बिल्कुल आपको जीरो से प्रिपरेशन करवाई जाएगी मतलब सबसे पहले हम बेसिक्स करेंगे फिर हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे फिर हम मेंस के लिए भी पढ़ेंगे ठीक है जी ओके तो आप जो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू हैव हैवे नाइस डे